गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने आज नू जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा में पहुंचकर अपना चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने लगभग एक दर्जन गांव में जनसभाओं को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेवात के लोगों को कभी भी उन्होंने निराश नहीं किया है। मेवात के लोग जब भी उनके पास किसी कार्य के लिए आए हैं तो उन्होंने तुरंत उनका काम करने के लिए कोई भी देरी नहीं की है। अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से तो मैं प्रत्याशी बन ही गया, लेकिन एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच और रेवाड़ी वालों के बीच या गुड़गांव वालों के बीच कोई फर्क नहीं समझूंगा। आप लोग मेरे जुड़ाव और आपके लिए मैं 5 साल काम करूंगा और आपकी दी हुई ताकत को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि मेवात की तरक्की के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। राव इंद्रजीत सिंह ने यहां कहा कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य मेवात में करवाए हैं, लेकिन जो विकास कार्य बच गए हैं उनको सांसद बनने के बाद प्रमुखता से करवाया जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज तपती गर्मी में जिस तरह से लोगों ने कई घंटे देरी से आने के बाद भी उनका गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया है, उसके लिए वो हमेशा मेवात की जनता के आभारी रहेंगे। लेट हो गए थे तकरीबन एक घंटा लेट होने के बावजूद भी 2 किलोमीटर से मेरे सामने जुलूस निकाला गया। मेरे को स्वागत के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए यूथों ने मुझे अपने गांव के अंदर यहां पर गोकलपुर के अंदर मेरे को लेकर के आए। नीम खाड़ा की भी सरदारी यहां पे आई हुई है और मेरे साथ चौधरी आजाद मोहम्मद और नसीम अहमद दोनों के दोनों मिलकर के मेरे को यहां पर अपने गांव में लाए हैं। इन्होंने मेरी तरफ से वोट भी मांगा है और मेरे को पूरी यकीन है कि इस बार मेरे को मेवात से और इस गांव से खास तौर के ऊपर अच्छा खासा वोट मिलेगा। दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेवात की सबसे पुरानी मांग रेल की मांग है, अब ये रास्ता आसान हो गया है और उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार सांसद बनने के बाद सबसे पहले मेवात में रेल की सिटी बनाने का काम पूरा किया जाएगा। ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब तीनों के तीनों मिलकर के मेरा समर्थन कर रहे हैं तो एक मुश्त मोहर लगेगी। सर मेवात के लोगों की जो मांगे रही है सर, तो कुछ रह गई है, कुछ पूरी हुई है, तो सर वो आगे क्या विश्वास दिलाते हैं? देखो, हमने एक तो रेलवे के लिए हमने कहा है कि हम रेलवे लाइन मेवात के अंदर इस 5 साल के दौरान पहुंचाएंगे। अभी तक ताउडू तक ही पहुंचा पाए हैं। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो कि केएमपी के बगल से गुजरता है उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर हम 2 साल के अंदर अंदर सीटी भिजवाई देंगे। इसके अलावा जो हमारा डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है उसका भी ताउडू के आसपास स्टेशन भी बन गया, रेल लाइन भी बिछ गई है। लेकिन नू फिरोजपुर झिरका जहाँ का हमने वायदा किया था उसके लिए भारत सरकार के पिछले वाले बजट के अंदर हमने खाता खोल लिया है और आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ पर भी रेल की सीटी भिजवाए। बहरहाल ये सियासत की जंग है और यहाँ कब क्या हो जाए ये कहना जरा मुश्किल है। तमाम नेता अपना पूरा जोर इस सियासी रण में लगा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी और 4 जून का इंतजार हर किसी को रहेगा।